सुंबुल की जगह अगर कोई और होती तो शायद कप का शो छोड़ चुकी होती, लेकिन सुंबुल वाकई काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये बात मैं तो कह ही रही हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ बाहर सुंबुल के कई सारे हजारों करोड़ों फैंस भी कह रहे हैं। अब लेकिन मुझे लगता है कि सुंबुल को काफी समझ जाना चाहिए, स्मार्ट हो जाना चाहिए, जिस चीज के लिए शायद उनके पापा ने भेजा था कि इस घर में इतने धोखे मिलेंगे, इस घर में इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि लाइफ टाइम में जो तुम नहीं सीख सकती वो तुम्हें 3 महीने में ये पूरा घर सिखा देगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त सुंबुल के पापा की घर में एंट्री कैसे होने वाली है। सुबह मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आप जाकर जरूर देखिएगा, सुंबुल के पापा की घर में कैसे एंट्री होने वाली है उस पर वो वीडियो बेस्ड है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि एंट्री होने के बाद सुंबुल के पापा सुंबुल से काफी सारी बातें शेयर करेंगे। जी हाँ, कल जो कुछ भी हुआ, परसों जो कुछ भी हुआ, सुंबुल इतना रोई है, इतना रोई है, बाहर जनता को बुरा लग गया। इनफैक्ट आई कैन अश्योर यू कि अंदर जितने लोग बैठे थे टीना के अलावा, मुझे बाकी सबके फेस पर कंसर्न सुंबुल के लिए क्लियरली नजर आ रहा था। शिव और अब्दू ने जाकर तो सुंबुल को हग किया कि यार तू रो मत, तू अपसेट मत हो, यू नो हम हैं तेरे साथ में, हम करेंगे कोशिश कि यू नो तू उधर ज्यादा ध्यान ना दे वगैरह वगैरह। जिसके बाद सुंबुल थोड़ा सा बेटर हुई है, आज सुबह से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कन्फेशन रूम में सुंबुल के पापा आएंगे, कैसे आएंगे वो आप देखिएगा उस वीडियो में, लेकिन हाँ आएंगे जरूर। और आने के बाद वो सुंबुल से कहेंगे कि बेटा तुम्हें जो है मैंने पहले भी समझाया था, वो अलग बात है तुम्हारा दिल काफी ज्यादा नादान है, तुम अभी काफी ज्यादा बच्ची भी हो और अच्छी भी हो, इसीलिए तुम शालीन टीना के साथ बदतमीजी नहीं कर रही हो क्योंकि वो तुम्हारे संस्कार नहीं है, वो तुम्हारे तमीज में नहीं है, वो तुम्हारे मैनर्स में नहीं है। बट इट्स हाई टाइम सुंबुल जैसे शालीन जैसे तुमसे बात करता है, जिस तरह से तुम्हें रखता है ना, वैसे ही टीना भी जैसे कभी कभी तुमसे बात करती है, तुम्हारे बारे में जिस तरीके से बात करती है, इट्स हाई टाइम तुम शालीन और टीना दोनों को उनकी औकात दिखाओ, उनको उनकी जगह दिखाओ। इस तरीके से आज वो कहेंगे कि तुम अगर चाहती हो कि मैं प्राउड फील करूं तो मैं कह रहा हूं तुम्हें कि अब जब बाहर आओ तो इन दोनों को अपनी असली जगह दिखाकर ही बाहर आना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक वार्निंग टिपिकली नहीं थी लेकिन काइंड ऑफ वार्निंग ही थी, जहां पर उनके पापा ने साफ कहा कि देखो अगर बाहर आओ तो ये करके जरूर आना, बहुत हो गया यू नो तमाशा, बहुत ज्यादा बाहर तमाशा बन चुका है, इन्होंने बहुत कुछ कह दिया है, सब लोग कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, तुम जब बाहर आओ तो फक्र के साथ आना और इनकी बैंड बजा कर आना। इस पर आप क्या कहेंगे, आप सुंबुल तौकीर खान के पापा तौकीर खान साहब पर बताइएगा ज़रूर।